2024 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि बहुत ही तगड़े तगड़े ड्रामा आए इसमें और व्यूज़ के मामले में तो भाई बिलियंस में व्यूज़ गए। तो देखते टॉप 5 ड्रामा कौन से हैं 2024 के अकॉर्डिंग टू मिस्टर नोमान अलीम, जो अभी तक आ चुके हैं ड्रामा। स्टार्ट करते हैं अभी को। तो स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहाँ पर जो ड्रामा आता है वो है जर्द पत्तों का बन, सज्जल लले का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जो इतनी देर के बाद उन्होंने कॉमबैक किया, बट अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे को वो टीआरपी नहीं मिल सकी, वो सक्सेस नहीं मिल सके, उतना ज्यादा ये लोगों की नजर में नहीं आया जितना आना चाहिए था। प्योर विलेज लाइफ इसके अंदर दिखाई जाती है और आपको दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अक्सर गाँव देहात के अंदर होते हैं और हम उनके ऊपर कभी नजर ही नहीं डाल पाते क्योंकि ज्यादातर लोगों को अर्बन एरियाज के इश्यूज देखना ही पसंद है। तो भैया जो विलेज के अंदर मसले मसाइल हैं वो कौन एक्सपोज करेगा, इस ड्रामे ने किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको वो हाइप नहीं मिल सकी। आप इस ड्रामे की पहली 1 से 2 एपिसोड्स देखें, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप हैरान होंगे कि इतना क्वालिटी ड्रामा, इतनी कमाल की जिसकी कास्ट थी, यहां पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है सजल, साथ में हमें हमजा सोहेल देखने को मिल रहे थे, दोनों ने एक्टिंग कमाल कर छोड़ी, स्टोरी बहुत सुपर्ब थी और यहां पर हम टीवी के ऊपर लगने वाला यह ड्रामा बहुत बुरे तरीके से निगलेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इसको 5वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे ड्रामे हैं जो शुक्र है अच्छी टीआरपी गेन कर पाए। और यहां पर भाई मैं इस ड्रामे के बारे में कहना चाहूंगा कि इसके लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि इसको देखें आप, इस पर रिएक्शन भी करें। तो अभी हम बहुत ही जल्द एक पोल डालने वाले हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पे, आप सब्सक्राइब कर लेना उसको, वहाँ पर हम एक पोल डालेंगे और उसमें अलग अलग 5 ड्रामों के नाम लिखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएंगे ना, हम उस पे रिएक्शन शुरू करेंगे। तो जो इस ड्रामा के फ़ैन है भाई एम्ब्रोज एक्स्ट्रा, वो सब्सक्राइब कर लें वोट करने के लिए, जल्दी ही पोल डालने वाले हम। आगे पता चल गया लोगों को कि ये कौन से ड्रामे, लेकिन ये 5वें नंबर वाला ड्रामा आपने 2-3 एपिसोड जरूर देखनी है ताकि आपको मजा आए, आप देखो कि भैया हमारे गांव के अंदर क्या कुछ होता है, बहुत रियलिटी के क्लोज ये ड्रामा है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज खुमार। खुमार में फिरोज खान थे, साथ में हमारे पास थी भैया नीलम मुनीर, दोनों ने बहुत कमाल की एक्टिंग की, स्टोरी बड़ी क्रिस्प थी और एक अच्छा ड्रामा था, ओएसटी बहुत मजे का था, अच्छी टीआरपी, डिसेंट लेवल पे रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ब्लॉकबस्टर था, लेकिन इसके अलावा भैया ये जो 5 ड्रामे मैं बता रहा हूँ बाकी सब तो ओवरऑल बकवास ही रहे हैं। तो अंधों में काना राजा भी आप इसको समझ सकते हो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि फिरोज खान के नॉर्मली हमारे जो ड्रामे होते थे वो टॉप रेटेड रहते थे, पहले या दूसरे नंबर पे आते थे, बट इस साल फिलहाल 4th नंबर पे आ सका ये ड्रामा। मजे का है, थोड़ा सा लुक्स को लेकर लोगों को एतराज था कि शायद फिरोज को वो बिल्कुल क्लीन शेव वाली लुक अच्छी नहीं लग रही, बट एक चीज है कि ड्रामे का जो कैरेक्टर था वो बड़ा मजे का था। इसकी रैंकिंग 4th नंबर पे आने की एक वजह ये भी है कि फिरोज ज्यादातर वाइब्रेंट कैरेक्टर करते थे ऐसे कि मतलब जहां पर बड़ा जोशीलापन, लेकिन ये सॉफ्ट लेवल पर था तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं, बट ओवरऑल स्टोरी बहुत मजे की थी। दिखाया जाता है कि इसके अंदर से किस तरीके से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामास में मिसअंडरस्टैंडिंग ही दिखाई जाती है कपल्स के दरमियान में, और उसके बाद फिर वो सब कुछ हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इसकी स्टोरी थोड़ी सी यूनिक थी। मैं अगर आपको जरा सा भी बताऊंगा इसकी स्टोरी के बारे में तो आपको ओवरऑल ड्रामा समझ में आ जाएगा, तो इसलिए इसको फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। फिरोज और नीलम की कपल कैसे लगा था आपको, इस ड्रामे के अंदर स्टोरी कैसे लगी थी, आप में से जिन लोगों ने देखा ये खुमार ड्रामा आपने कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताया। नंबर 3 पे ये ड्रामा मैंने देखा और मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा उसको देखने में, तो हाँ देख जरूर सकते हैं। हमारे पास जो ड्रामा आता है वो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ और आते सार ही छा गया दुनिया पूरी, इस ड्रामे का नाम है, बहुत ही सुपर्ब इसके अंदर हमें कास्ट देखने को मिलती है, खुशहाल खान जो कि आजकल के मेरे हिसाब से सुपरस्टार हैं, साथ में थी रमशा और भैया हमारे पास सलीम खान और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे सीनियर एक्टर्स इस ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं। कि सबसे खास बात यह है कि ये एक बहुत अच्छे बजट पे बना हुआ ग्रीन एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर ड्रामा है, बहुत ज्यादा इसकी जो क्वालिटी है ना वो नेटफ्लिक्स से मैच करती है, जैसे हमें वहां पर बैठकर सीजन देखने का मजा आता है, हम खो जाते हैं प्रोडक्शन देखकर, सीन्स देखकर, VFX के जो सारे इफेक्ट्स होते हैं वो हमें बड़ा ज्यादा इंस्पायर करते हैं, तो सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, विजुअल, स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉप नॉच ऑन दिस ड्रामा। तो अगर आप लोगों ने दुनियापुर नहीं देखा तो जरूर देखें, अभी 7-8 एपिसोड्स आए हैं इस ड्रामे की, बट आई एम ऑलरेडी कंफर्म्ड कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2024, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया बहुत सारे दूसरे ड्रामास को निगलेक्ट करके।
क्या बात। भाई मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पे। बहुत बढ़िया लग रहा है ये ड्रामा, हमने भी इतनी तारीफ की, आप रिएक्शन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जो लोग नहीं देख रहे भाई आपसे अपील है, देखना ज़रूर। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं गया जिसमें हम इसकी तारीफ करते छूटे हो, मतलब हर एपिसोड में हमने इस तारीफ के पुल बांधे और वो मुंह से खुद ही निकल जाते हैं। आप खुद जब देखोगे ना इस ड्रामा को और हमारे साथ देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। राइट तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा रिएक्शन क्या था उस टाइम पर। आप पहले देख लो और फिर हमारा रिएक्शन देखने के लिए एम्ब्रोज एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब कर लो, आगे देख। तो आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री, आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। और ये भी बताना है कि भैया क्यों नहीं आप इसको 20 मिलियन व्यूज देते उन स्टूपिड ड्रामास की तरह जिनके अंदर मतलब व्यूज कहने तो आना कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इस टाइम इसके जितने व्यूज आ रहे हैं उतने आने चाहिए थे जानिसार के, और जानिसार के जितने व्यूज आ रहे हैं उतने इसके आने चाहिए। ठीक है, एक छोटे चैनल पे, छोटा चैनल इस सेंस में कि मतलब उसके भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है जैसे बड़े बड़े चैनल्स के हैं, बट फिर भी यार कंटेंट तो कंटेंट है ना। मुझे यूट्यूब की ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उसे कंटेंट से जज करना चाहिए ना कि सब्सक्राइबर से, कि अच्छा किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा। खैर ये तो एक बड़ी लंबी डिबेट है, दुनिया पूरे एक बेस्ट ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख। बात करते हैं यहाँ पे नंबर सेकंड पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे हिसाब से 2024 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसका मुकाबला शायद अगले कई साल बहुत सारे ड्रामे नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अगेन यहाँ पर आपको जो स्टोरी दिखाई जाती है, जो आपको लेवल दिखाया गया है एक एग्रेशन का, वो टॉप क्लास। ड्रामे का नाम था खई, और मजे की बात है कि थोड़ी देर पहले जो मैं दुनियापुर का जिक्र कर रहा था वो भी काफी हद तक खई से मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी दुश्मनी की दास्तान है और जितने अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है, जितने अच्छे से हमारे नॉर्दर्न एरियाज में होने वाली लड़ाइयां और उन जिलों में होने वाले फैसले कैसे इफेक्ट करते हैं लेडीज को, कैसे वहां पर जो लेडीज हैं वो एक किस्म की किडनैप होती हैं, जबरदस्ती उनके साथ शादी होती है, उनके साथ बहुत गलत काम होते हैं, ये सब कुछ आपको इस एक ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। और आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी दुश्मनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खानदानों के खानदान तबाह कर देती है। चाहे आप जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी आपके पास पैसा है, एट द एंड आपकी जिल्लत वाली मौत होती है दुनिया में भी और आगे तो फिर होगी। तो खैर ये जो चीज़ें इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई गई है, और ख़ास तौर पर इवन तो इस ड्रामे का बजट कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं होता जैसे दुनियापुर का है, बट फिर भी भैया इसका जो लेवल है यहाँ पर, जिस तरीके से कुछ वायलेंस भी दिखाया जाता है। अच्छा एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वायलेंस वाली चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, मान लो कि जहाँ पर किसी का हाथ कट जाना, गोलियाँ शोलियाँ चलना, इस तरह की चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हो तो फिर आपको शायद दुनियापुर भी अवॉइड करना है और खई भी अवॉइड करना है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पाकिस्तान में द लेजेंड ऑफ मौला जट जब मूवी लॉन्च हुई थी, उस मूवी के अंदर जिस लेवल का वायलेंस था ना, वो मतलब हॉलीवुड को भी बहुत हद तक क्रॉस कर जाता है। तो वो अगर पाकिस्तानी आवाम ने इतनी पसंद की थी, वहाँ पर फैमिलीज ने भर भर के सिनेमाज में जाकर वो मूवी देखी, तो फिर आपको ये दोनों तो डेफिनेटली पसंद आने ही वाले हैं। तो इसलिए आपने लाजमी देखना है और खई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत लेसन है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के लोग लाजमी देखें। तो हम जिक्र करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि अब बहुत ज्यादा अंडरस्टूड हो चुका है मेरे ख्याल से, शायद आपको पता ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया उस ड्रामे का नाम, कभी मैं कभी तुम। इसकी अब परसों लास्ट एपिसोड होगी, क्या ही कमाल का ड्रामा। मेरे ख्याल से बहुत देर बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री कोई ऐसा ड्रामा लॉन्च करने में कामयाब हुई है जिसकी स्टोरी यूनिक थी, जिसके अंदर कुछ भी टिपिकल सास बहू के इश्यूज नहीं थे, बल्कि यहाँ पर दो ऐसे लोगों की कहानी जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे, अपोजिट होने के बावजूद उनकी कैसी केमिस्ट्री बनती है, वो शादी के बंधन में जिस तरह से जुड़ के एक दूसरे को लेकर चलते हैं, कौन कौन से उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और कैसे फिर वो उनको रिजॉल्व करते हैं, एक बड़ी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिलेगी इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एज अ न्यू कपल आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कि अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है या आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि उनको समझ नहीं आती कि मतलब कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा होता, और ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा यार अगर हम ये घर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, हम तो जलील हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मतलब इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ और अगर आपके अंदर टैलेंट है, पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, बस आपको थोड़े से पुश की जरूरत होती है। तो वो चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है, और बड़ी सुपर्ब स्टोरी है, बड़ी मतलब आप इसको रोमांटिक स्टोरी भी कह सकते हो, लेसन बेस्ड भी कह सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन के परस्पेक्टिव से देखनी है कि उसके अंदर क्रिएटिव एंगल्स हों तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से देखना चाहो तब भी ये बेस्ट है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर फहद मुस्तफ़ा ने जो एक्ट किया ना, मतलब इतनी देर के बाद पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर आए और आकर छा गए। बिहाइंड द कैमरा तो काम अच्छा करते ही हैं,
लेकिन ऑन कैमरा अपने आप को मनवा दिया। हानिया तो ऑलरेडी मंजीवी एक्ट्रेस है ही, लेकिन मुझे फहद मुस्तफा ने बहुत इंप्रेस किया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन ड्रामों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगर आप लोगों ने ये 5 ड्रामे नहीं देखे जो 2024 से प्योरली बिलोंग करते हैं, इससे पहले वाले ड्रामे नहीं हैं, ये सारे ड्रामे बिल्कुल लेटेस्ट हैं, फ्रेश हैं, 2024 की बेस्ट क्रीम है मेरे ख्याल से, ज़रूर देखिएगा। और नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। तो ये वीडियो इधर ही एंड होता है, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इश्क मुर्शिद इन्होंने नहीं रखा है। हाँ यार, इश्क मुर्शिद होना था यार, मे बी शायद उसकी एंडिंग थोड़ा सा स्पॉइल हो गई थी, इस वजह से इन्होंने नहीं रखा हो। एंडिंग हो गया, लेकिन पूरा ड्रामा तो सही गया था यार। मुझे लगता है ना, अगर मैं इनके प्लेस पे होता, मेरी ये लिस्ट होती, तो शायद मैं खुमार को हटा देता, उसकी जगह इश्क मुर्शिद को ऐड कर। सेम नंबर पर, नंबर सेम होता, नंबर सेम होता। बाकी कुमार को मुझे भी लगता है, क्योंकि इसके मैंने ट्रेलर्स भी देखे, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं था कुमार। मैंने तो ड्रामा ही पूरा देखा, मुझे मतलब अच्छा लगा है, बुरा ड्रामा नहीं है, बट बहुत अच्छा है, अप टू द मार्क नहीं है, या इश्क मुर्शिद से अच्छा नहीं है, अच्छा ये कह सकते हैं। तो ये मेरी चॉइस है यार। आप अपनी चॉइस बताइए यहाँ कमेंट सेक्शन में। हाँ, रमान भाई की अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस होती है डेफिनेटली, वो आप अपनी चॉइस बताइए। लेकिन हाँ भाई, बाकी सारे ड्रामे बहुत तगड़े हैं भाई इस लिस्ट भाई। लेकिन मैं अगर इसमें टॉप थ्री, अगर टॉप जो ये सीक्वेंस है, मुझे सीक्वेंस में ज़्यादा गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन हाँ नंबर वन पे जो डाला है वो तो भाई हटाया नहीं जा सकता। लेकिन नंबर टू पे पता नहीं क्यों मुझे ना, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ना, तू मुझे दुनियापुर ज़्यादा बोला, नंबर टू पे दुनियापुर ही है ना। हाँ, थ्री पे डाला है। मुझे लगता है दुनियापुर नंबर टू पे होना चाहिए था, एंड उसके बाद में होना चाहिए था इश्क मुर्शिद नंबर थ्री पे। बस उसका एंड ने बिगाड़ दिया, तो उस एंड की वजह से आप उसको फोर पे रख दो, अदरवाइज फिर खाई ठीक थे नंबर थ्री पर, एंड फिर वो नंबर फोर नंबर फाइव वाला सीन वो तो सही था। फिर जर्द पत्तो तो हमने देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन लोग जिस तरह से तारीफ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। कहीं भी ड्रामा बहुत बढ़िया रिवेंज स्टोरी है, तो आई थिंक नंबर टू वो डिजर्व करता है। और दुनियापुर क्या है, अभी पूरा एपिसोड आया ही नहीं है उसके, अभी चल ही रहा है। जितना अपन ने देखा उसमें तो भाई लगा कि वो ड्रामा मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट हाँ कहीं भी ज़बरदस्त ड्रामा है उसके, और टीआरपी दुनियापुर से ज़्यादा ही लेके आया। ये भी है, अभी दुनियापुर में इतनी टीआरपी तो मिल नहीं रही है दुनियापुर को, लेकिन हाँ यार मिलनी चाहिए, वो सच में मोस्ट डिजर्व ज़्यादा करता है वो, ये तो है। वो एक्चुअली सच में नेटफ्लिक्स कंटेंट है, अगर उसको नेटफ्लिक्स वाले खरीद ले और यूट्यूब से हटा देना, तो यकीन मानो जितना यहाँ पे लोगों को व्यू नहीं मिल रहा उतना वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे उसको प्रमोट भी अच्छे तरीके से करेगा बिल्कुल। एंड डेफिनेटली एक बार किसी को लत लग गई ना, एक एपिसोड किसी ने देख लिया तो उसको लत लग जाएगी उस शो की, ऐसा सीन है उस शो के साथ। तो बताइए दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके। अच्छे लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।